अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स डिग्रीज। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने अपनी लास्ट क्लास में शुरू किया था, तो उसके अंदर मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू गिवन चेंज इन प्राइस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब काइंड्स हमने इसकी उसके बाद पढ़ी और आज हम जो पढ़ेंगे दैट इज डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिग्री का क्या मतलब होता है? डिग्री का मतलब होता है इंटेंसिटी या शिद्दत। के जैसा कि हम जानते हैं लॉ ऑफ डिमांड में दो हमने वेरिएबल के दरमियान पढ़ा था। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है कि जब प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, जब प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। तो दिस नेगेटिव रिलेशन इज व्हाट, दिस नेगेटिव रिलेशन इज द लॉ ऑफ डिमांड। तो अब हम पढ़ेंगे इसकी डिग्रीज कि कितना प्राइस में चेंज आएगा उसकी वजह से कितना क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आएगा। बात क्या है कि कभी प्राइस में बहुत ही कम चेंज आता है, कभी प्राइस में बहुत ही कम चेंज आता है लेकिन उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है, ठीक है जी। जबकि कभी बिल्कुल इसका ऑपोजिट रिएक्शन होता है कि प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज आने के बावजूद भी क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ही कम चेंज आता है। द क्वेश्चन इज व्हाई, तो ये डिपेंड करता है इसकी डिग्रीज के ऊपर। देयर आर फाइव डिफरेंट डिग्रीज जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज इलास्टिक डिमांड और ये ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है ईडी ग्रेटर देन वन। इट मींस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन वन। ये क्या होता है? व्हेन स्मॉल चेंज इन प्राइस रिजल्ट्स इन लार्ज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है जी। व्हेन लेस चेंज इन प्राइस रिजल्ट्स इन मोर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी और डिमांड में क्या है, इलास्टिक डिमांड। अच्छा, तो ये इलास्टिक डिमांड कहलाता है। अब ये कहाँ अप्लाई होता है? दिस इज बेसिकली अप्लाई ऑन लग्जरियस आइटम्स। लग्जरियस आइटम्स कौन से होते हैं? लग्जरियस आइटम्स वो होते हैं जो हम रोजाना की बुनियाद पर इस्तेमाल नहीं करते और जो हमारी बुनियादी जरूरत नहीं होते, बल्कि हम उन्हें क्यों इस्तेमाल कर रहे होते हैं? हम उन्हें अपनी फर्दर लग्जरी के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मजीद हमें लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने के लिए हम उन्हें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर परफ्यूम, अगर हम परफ्यूम इस्तेमाल करेंगे तो अगर नहीं करेंगे तो दोनों सूरतों में ऐसा नहीं कि हम मर जाएंगे, कोई हमें इश्यू हो जाएगा। हो सकता है अगर हम परफ्यूम इस्तेमाल ना करें हमारा कोई पड़ोस में जो बैठा वो मर जाए भले से, लेकिन हमें उससे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। बाय बिकॉज दिस इज नॉट द लग्जरियस आइटम, देन व्हाट इज द बेसिक आइटम एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लग्जरियस गुड्स एंड द बेसिक गुड्स। तो लग्जरियस आइटम्स वो होते हैं जो हमारी बुनियादी जरूरत नहीं है, उनको हम इस्तेमाल करें या ना करें कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। इनको कौन इस्तेमाल करता है? लग्जरियस आइटम्स को अमीर लोग, जो जिनके पास बुनियादी जरूरियात पूरा करने के बाद अगर पैसा बच जाता है तब वो ये चीजें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। परफ्यूम मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। इसी तरह ब्यूटी पार्लर के जो आइटम्स होते हैं जो खवातीन इस्तेमाल करती हैं, फेस पाउडर हो गया जी, लिपस्टिक हो गई, फला फला, ये चीजें जो है इंसान की बुनियादी जरूरत बहरहाल नहीं है। अच्छा, एसी इन द हाउस, पंखा जो है बहुत ही अहम जरूरत है। गर्मी होती है जी, पंखा बिल्कुल बेसिक नीड है, लेकिन एसी बेसिक नीड नहीं है। एसी इज व्हाट? एसी इज लग्जरियस गुड्स, ठीक है जी। सफर करने के लिए एक आपके पास मोटरसाइकिल है या आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें, दिस इज द बेसिक नीड। बट अ कार, और फिर कार में आप जितना ऊपर जाते रहे, दिस इज व्हाट, दिस इज लग्जरियस आइटम्स। तो होता क्या है, जब लग्जरियस आइटम की प्राइस में चेंज आता है तो उनकी क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ज्यादा चेंज आता है। अगर इसी चीज को हम कंपेयर करें बेसिक आइटम्स क्या है, आटा, तो आटे में ऐसा नहीं होगा कि आटे की कीमत अगर बहुत बढ़ जाएगी तो ऐसा हरगिज नहीं होगा कि आपके घर वाले आपको खाने के लिए कम देना शुरू कर दें, ठीक है जी। अच्छा, अब इसकी जो डिटेल है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा एक पीडीएफ फॉर्मेट में, मैं आपके ग्रुप्स में जो व्हाट्सएप बने हुए हैं उनके अंदर मैं आपको इसकी डिटेल भेज दूंगा, क्योंकि एज यू नो जैसा मेरा तरीका है लिखवाता हूँ मैं आपको, तो अभी मैं आपको लिखवाऊंगा तो नहीं फिलहाल यहाँ पर ऑनलाइन लेक्चर में। तो अब मैं क्या करूँगा आपको कि मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ फॉर्मेट, आप उसको कॉपी में अपने पास लिख लीजिएगा, राइट। लेकिन हम थोड़ा इसका डिस्कस करते हैं, इसकी जो शेड्यूल एंड डायग्राम, सबसे पहले इसकी थ्योरी आएगी और फिर इसके अंदर शेड्यूल हम बनाएंगे। शेड्यूल की हेडिंग आएगी, ठीक है जी। पहले में आएगा
राइस ये ब्लैक मार्केट में डाल दी क्या? जी दो, पहला कॉलम है जी प्राइस का और दूसरा है क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस. प्राइस लेट्स सपोज द फर्स्ट प्राइस इज 10 एंड द सेकंड प्राइस इज 20 रुपीज, बट व्हाट इज द रिजल्ट इन क्वांटिटी डिमांडेड? जब प्राइस 10 है तो द डिमांड इज 500 केजी, बट एट द प्राइस व्हेन द प्राइस इज 20 द क्वांटिटी डिमांडेड इज 100 केजी ओनली. तो हमने देखा कि प्राइस में चेंज जो है कम आया और जो डिमांड में चेंज है क्वांटिटी डिमांडेड में वो बहुत ज्यादा चेंज आया. तो दिस चेंज इज व्हाट? दिस चेंज इज कॉल्ड इलास्टिक डिमांड. ठीक है ना, ये पहली डिग्री है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, जिसमें हमने देखा कि प्राइस में चेंज आया कम और डिमांड में चेंज आया ज्यादा. अब शेड्यूल बनेगा, शेड्यूल के बाद इसकी डायग्राम बनेगी. डायग्राम जो है फिर उसकी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जिसके अंदर तकरीबन 500 सिर्फ डायग्राम्स हैं, और ये अगर एग्जाम में आता है तो ये आता है जी सिर्फ 10 मार्क्स के लिए. और जैसा कि मैं आपको पहले भी काफ़ी बार बता चुका हूँ कि 10 मार्क्स के लिए आपके पास जो अवेलेबल टाइम होता है उसको सवाल को अटेम्प्ट करने के लिए, दैट इज ओनली 17 मिनट्स. तो 17 मिनट्स में आप 5 शेड्यूल बनाएंगे, 5 डायग्राम्स बनाएंगे, 5 डेफिनेशन लिखेंगे, 5 एक्सप्लेनेशन अगर लिखेंगे तो बहुत सारे तो बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि 17 साल लग जाए उनको उसके लिए, 17 मिनट की जगह. तो इसलिए क्या है कि इसमें हम एक्सप्लेनेशन किसी भी डायग्राम की हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि वैसे इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है. ठीक है जी, अच्छा फिर सिर्फ शेड्यूल बनाया, डायग्राम मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा तो वहाँ से आप देख लीजिएगा, ताकि हमारा टाइम जो थोड़ा और मजीद बच जाए. अच्छा जी, तो ये इलास्टिक डिमांड और ब्रैकेट में लिखा हुआ है ईडी ग्रेटर देन 1, और इसके अंदर कौन से प्रोडक्ट्स आएंगे? लग्जरियस आइटम्स. इलास्टिक डिमांड, लग्जरियस आइटम्स, ये दोनों चीज़ें अगर आप ये दो लफ्ज याद कर रखें तो आपको याद आ जाएगा. लग्जरियस आइटम्स कोई भी ऐसा आइटम जो बुनियादी ज़रूरत नहीं है, जैसा कि मैंने बताया एसी हो गया, गाड़ी हो गई, एंड सो मैनी थिंग्स. ठीक, अब हम बढ़ेंगे अपनी दूसरी हेडिंग की जानिब, एंड द हेडिंग इज इन इलास्टिक डिमांड. इन इलास्टिक डिमांड जो है वो भी एक प्रैक्टिकल वैल्यू रखती है, प्रैक्टिकली उसको जो है बहुत सारी एग्जाम्पल्स उसकी मौजूद हैं. ठीक है जी, इन इलास्टिक डिमांड ED less than 1, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1. अच्छा जी, तो अब बात क्या है? When large change in price results in small change in quantity demanded. ठीक है जी, जब price में change आए बहुत ज्यादा लेकिन फिर भी demand में change आए कम, बहुत ज्यादा कीमत में चेंज आने के बावजूद अगर क्वांटिटी डिमांडेड में कम चेंज आ रहा है तो दिस इज कॉल्ड इन इलास्टिक डिमांड. अब ये कहां होता है जी? ये होता है बेसिक आइटम्स के अंदर, क्योंकि बेसिक आइटम्स जब महंगे होना शुरू हो जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, बेसिक आइटम्स महंगे होने की वजह से लोग चीजों की कंजम्पशन के अंदर एहतियात शुरू कर देते हैं. किस तरह? भाई आटा महंगा हो गया, अब जो है रोटी जाया नहीं होनी चाहिए, रोटी फिकनी नहीं चाहिए, भूसे टुकड़ों में रोटी नहीं जानी चाहिए. ये घर वाले जो हैं, बड़े जो होते हैं, घर के जिम्मेदार जो होते हैं, वो तंबी करते हैं इन्हें, भाई कोई रोटी फिकनी नहीं चाहिए, और ये इसको थोड़ा तवज्जो दी जाती है. इस तरह थोड़ा सा जो है उसकी डिमांड में कमी आ सकती है. ठीक है ना, कंडीशन नंबर 2, इलेक्ट्रिसिटी बेसिक नीड है. तो हमारे बचपन में हमने देखा जब बहुत ही कम बिजली के बिल आया करते थे तो कोई पंखा चल रहा है, कोई बल्ब चल रहा है, 24 घंटे चल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं था. लेकिन अब क्या हो गया, आधी तनख्वाह हम लोगों की जाने लगी बिजली के बिल के अंदर. तो अब क्या हो गया, अब बहुत ज्यादा इस चीज का ध्यान रखा जाता है, कोई गैर जरूरी लाइट ना चल रही हो, कोई गैर जरूरी पंखा ना चल रहा हो, किसी भी किस्म की वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी घर में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका पर यूनिट कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा इसकी प्राइस हो चुकी है. तो व्हाट इज दिस इज इलास्टिक डिमांड, के जब बहुत ज्यादा कीमत में चेंज आएगा तो हम उसकी डिमांड में सिर्फ कितना जो है वो चेंज कर सकते हैं, कि जितना हम एहतियात कर सकते हैं कंजम्पशन में, लेकिन एकदम से बहुत ज्यादा चेंज नहीं आ जाएगा. लेट सपोज अगर
बिजली के जो है बहुत ज्यादा रेट बढ़ जाते हैं, अगर बिजली का रेट अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ऐसा नहीं है कि घर वाले अपने पंखे बंद कर देंगे, अपनी लाइटें बंद कर देंगे, चिराग जलाना शुरू कर देंगे, जूसर की जगह पर सिलबट्टा दोबारा से इस्तेमाल होने लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये नाउ दिस इज द बेसिक नीड, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा चेंज आएगा, सिर्फ एहतियात से जो उसकी डिमांड में कमी आएगी, एहतियात से जो हम बिजली बचा लेंगे सिर्फ वही बचाई जाएगी, बाकी वैसे की वैसी ये जो है कंज्यूम होती जाएगी। तो बहुत ज्यादा प्राइस में चेंज आने के बावजूद भी इसकी डिमांड में चेंज क्या आएगा जी? कम आएगा। पेट्रोल, गरीब जाने दूध दही अंडे डबल रोटी लेने पैदल चले जाएंगे जी, पेट्रोल बहुत महंगा होता जा रहा है, बाइक खड़ी कर। लेकिन अगर दूर जाना है, ऑफिस जाना है, कोई 10-12 किलोमीटर दूर अगर ऑफिस है, तो फिर हम जो ऐसा नहीं है कि पैदल घर से निकल जाएंगे 2 घंटे पहले, नहीं यार छोड़ो पेट्रोल महंगा हो गया, नहीं ऐसा नहीं होगा। हम क्या करेंगे, फिर भी हम मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करें, कहीं और पर जाकर हम अपने पैसों को कहीं और जाकर देखेंगे कि यार कहां पर हम अपने खर्चों को कम कर सकते हैं। लेकिन बार बार मोटरसाइकिल जितनी हमारी इस्तेमाल हो रही है उतनी ही हम उसको कंटिन्यू करेंगे, राइट। अच्छा, इसकी एग्जांपल अगर मैं लिखूं, पेट्रोल, ठीक है जी, फूड, मेडिसिन, ETC, देयर आर सो मेनी अदर बेसिक गुड्स, इलेक्ट्रिसिटी जैसा कि मैंने आपको बताया, और बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो कि हमारी बेसिक नीड में आती हैं। अच्छा जी, अब देखें ये दोनों जो थे ये बहुत ही रियल थी दोनों हेडिंग्स, एक इलास्टिक डिमांड और एक इनइलास्टिक डिमांड, क्योंकि हमारी जिंदगी में दोनों दो किस्म के ही आइटम्स हम देखते हैं, या तो हमारे लिए बेसिक है या वो लग्जरी, ठीक है ना। ना अब लेकिन मैंने डिग्रीज आपको टोटल कितनी बताई, मैंने आपको टोटल डिग्रीज बताई 5, जिनमें से 2 अभी हमने डिस्कस करी। चले इसका एक शेड्यूल और बना लेते हैं, शेड्यूल जैसा कि मैंने बताया आपको, द फर्स्ट वन इज प्राइस इन रुपीज एंड द सेकंड वन इज क्वांटिटी डिमांडेड इन केजी। The price is 10 and then the price is 100. कीमत 10 से 100 रुपए हो गई जी, बहुत ज्यादा बढ़ गई। अच्छा, but what about quantity demanded? 500 से just 400. यानी जितना ज्यादा चेंज प्राइस में आया उतना ज्यादा चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में नहीं आया, उसके मुकाबले में हमने देखा कि भाई कंपैरेटिवली चेंज जो है वो कम आ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड में, ज्यादा चेंज आ रहा है प्राइस में और कम चेंज आ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड में। दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड इन इलास्टिक डिमांड। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं, अब हम बढ़ेंगे थर्ड हेडिंग की तरफ। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप इसमें कमेंट भी कर सकते हैं, मेरा नंबर भी आप लोगों के पास यकीनन है, तो कोई व्हाट्सएप भी मुझे कर सकते हैं अपने ग्रुप्स के अंदर, आप कोई सवाल अगर आपका हो तो आप कीजिएगा। Now the third heading, the third heading is unitary elastic demand और ED equals to 1, unitary elastic demand और ED equals to 1, इसका मतलब क्या है कि भाई इन केस अगर जितना प्राइस में चेंज आ रहा है उतना ही अगर क्वांटिटी डिमांडेड में भी चेंज आ रहा है, यानी कि दोनों के अंदर अगर बराबर चेंज आ रहा है तो उसे क्या कहेंगे, उसे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहा जाएगा। When a change in price results in equal change in quantity demanded, a change in price results in equal change in quantity demanded, it is called unitary elastic demand. ये hypothetical concept भी कह सकते हैं इसको।
कि अगर ऐसा हो कि जितना चेंज प्राइस में आए उतना ही चेंज अगर क्वांटिटी डिमांडेड में आए तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहा जाएगा। दिस व्हाट? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है जी। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल क्या होगी? इसकी एग्जांपल जो है ऐसा सच कोई नहीं है, लेकिन कहीं पर भी हो सकता है। किसी भी प्रोडक्ट के अंदर अगर दोनों तरफ बराबर चेंज आ रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहा जाएगा। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दिस इज अ हाइपोथेटिकल कांसेप्ट। तो यहां पर क्या है? यहां पर एग्जांपल नहीं, एग्जांपल सिर्फ दो फर्स्ट टू में थी। एक थी अपना लग्जरियस वाले में जैसा कि इलास्टिक डिमांड में, और दूसरा बेसिक में। ठीक है ना? अब यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट बन सकता है जिसमें बराबर चेंज आ रहा है, वहां पर क्या कहलाएगा? वो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहलाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें क्या है? इसका अगर मैं शेड्यूल बना के दिखाऊं आपको, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, द प्राइस इज 10, 20 एंड 30, द क्वांटिटी डिमांड इज 300, नहीं सब कर दो, जो भी वो तो है 200 एंड 100। ठीक है जी। प्राइस क्या थी? 10, 20 और 30 एंड देयर वाज 300, 200 एंड 100। जिस प्रोपोर्शन से प्राइस में चेंज आ रहा है उसी प्रोपोर्शन से जो है वो क्वांटिटी डिमांडेड में भी चेंज आ रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है जी। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे अगली हेडिंग की जाने, दैट इज दिस इज हेडिंग नंबर फोर, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड ईडी इक्वल्स टू जीरो। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या है? कि इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल टू जीरो, यानी कि बिल्कुल भी चेंज नहीं आ रहा है प्राइस में, कुछ भी चेंज आ रहा है। प्राइस 100 रुपए से 1000 रुपए में चली गई, 1000 रुपए से 1 लाख पे चली गई। ठीक है जी। 1 लाख से फिर 100 रुपए पर आ गई, लेकिन डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा, डिमांड रिमेन्स द सेम। अगर ऐसी सिचुएशन हो कि प्राइस में जितना भी अप एंड डाउन आ रहा है और उसकी वजह से अगर क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज अगर नहीं आ रहा है, दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। ये ईबीएस के अंदर परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, राइट? अच्छा जी, अब ये अप्लाई कहां होता है? ये अप्लाई होता है ऐसे सामान पर जो अनसॉर्ट होते हैं गुड्स, मतलब बहुत ही कम पाए जाते हैं, तो जितने भी वो निकल के आते हैं सामने वो चीज सेल आउट हो जाती है। ठीक है जी। अनसॉर्ट गुड्स यानी कि बहुत ही कम पाया जाने वाला जो सामान होता है, वहां पर वायरल ये जाकर अप्लाई हो सकता है। ठीक है जी। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, वट एवर द क्वांटिटी डिमांडेड विल रिमेन द सेम वॉट एवर बी द प्राइस। ठीक। अच्छा जी, अब आपको दिखाते हैं इसकी प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड वाला। The price was 10, then 20, 30, 40 and then 50. Price मुसलसल क्या हो रही है जी? बढ़ रही। But what about quantity demanded? When the price was 10, the quantity demanded was 200. But at the time of 20, it remains the same and 200. At the time of 30, it is 200, 40 पे 200 and फिर 50 पे भी 200.
There is no change in quantity demanded, whatever be the price. This is called perfectly inelastic demand. ठीक है जी, whatever be the price, the quantity demanded remains the same, and it is called perfectly inelastic demand. ठीक है जी. अच्छा, अब the last but not the least. आखिरी जो हमारी हेडिंग है, इसकी पांचवी हेडिंग डिग्रीज की, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होता है कि जब प्राइस में कोई चेंज आएगा तो क्वांटिटी डिमांडेड में इतना चेंज आएगा कि उसे उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते. ड्यू टू द चेंज इन प्राइस देयर विल बी an uncountable and immeasurable change in quantity demanded. So this is called perfectly elastic demand, or elasticity of demand is infinity. Elasticity of demand equals to infinity. ठीक, okay. तो इसके जो डायग्राम बनेगी वो तो आपको इंशाल्लाह मिल ही जाएगी, लेकिन अगेन जैसा कि मैंने सारे शेड्यूल आपको बना के दिखाया, तो प्राइस in rupees and quantity demanded. The price was 10, 20 and 30. The quantity demanded was 500. यानी कि जब प्राइस में चेंज आया तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो गई हमें इसका अंदाजा नहीं लगाया जा रहा है जी. क्या हमें पता ही चल रहा है कि व्हाट इज द राइट नाउ क्वांटिटी डिमांडेड, अब हमें अंदाजा नहीं हो रहा है. दिस इज व्हाट, दिस इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, के प्राइस में चेंज आने की वजह से इतना क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ जाना कि जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सके. ठीक है जी, तो यहाँ पर डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो टॉपिक है हमारा वो कंप्लीट हो जाता है. अच्छा, अब आपने करना क्या है, इससे पहले वाला सवाल काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो आप लोग याद करेंगे, उसका भी टेस्ट होगा. इसका मटेरियल मैं अभी आपको पीडीएफ दूंगा, ठीक है जी, या इमेज में भेजूंगा, आप वो कॉपी कर लीजिएगा, तो उसका भी बहरहाल टेस्ट होगा. जैसा कि आप लोग घर में हैं तो मैं समझता हूँ कि आपकी जिम्मेदारी है कि इस थ्रेट जो कि कोरोना वायरस की वजह से, इसको आप अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें और जितना ज़्यादा हो सके आप इस टाइमिंग में तैयारी करें, क्योंकि आपके एग्जाम, जैसा कि शायद मैंने पहले आपको बताया कि आपके एग्जाम टाइम पर होने हैं, तो इस वायरस की वजह से आपके एग्जाम तो डिले नहीं होंगे, आपके एग्जाम तो बिल्कुल टाइम पर होंगे, तो आपने बिल्कुल उसी के हिसाब से अपनी तैयारी रखनी है और कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा हो सके तैयारी करें, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें. फिर इंशाल्लाह अगर हुआ तो क्लास में टेस्ट लेंगे, और आई होप सो कि 15-20 दिन में सेंटर दोबारा ऑन हो जाए. अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम टेस्ट का भी कोई ना कोई सिलसिला ऐसा रखेंगे कि आप घर बैठे हुए टेस्ट दें, क्योंकि अल्लाह तो देख रहा है ना, क्या ख्याल है. ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. अल्लाह हाफ़िज़.